स्टूडेंट्स वेलकम बैक। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 4 की जो एक्सरसाइज थी वो कंप्लीट की थी। जो आज की जो वीडियो है उसमें हमने जो चैप्टर 5 है उसको पढ़ना है। तो आज के जो टॉपिक्स हैं वो कौन कौन से हैं, लूप स्ट्रक्चर देखना है और टाइप्स ऑफ लूप देखेंगे कौन कौन से। इसका जो ओवरव्यू है मैं बताऊँगा आपको कि फॉर लूप और व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप में डिफरेंस क्या है, माइनर सा डिफरेंस बताऊँगा। और जो है नेक्स्ट डिटेल में हम देखेंगे फॉर लूप को इस वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो जो कि उसमें वाइल और डू वाइल एक साथ देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि लूप क्या होता है। लूप हम वहाँ पे यूज़ करते हैं जब हम एक सेम टाइप की जो स्टेटमेंट है उसको हमने मल्टीपल टाइम्स जो है वो डिस्प्ले करवाना स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। रिपीटेशन जो है लूप का मतलब होता है रिपीटेशन। अ लूप इज अ स्ट्रक्चर दैट एनेबल्स द प्रोग्रामर टू एग्जीक्यूट द सेम सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट, ठीक है। एक स्टेटमेंट या वो एक से ज़्यादा स्टेटमेंट दे सकती है जिसको हम रिपीटेडली चाह रहे हैं कि वो डिस्प्ले हो जब तक कंडीशन मेट कर रही है, ठीक है, जब तक कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, अनटिल अ पर्टिकुलर कंडीशन इज मेट। नेक्स्ट क्या है, अब लूप स्ट्रक्चर क्या है। लूप स्ट्रक्चर और सिंपल लूप सेम ही है। अ लूप इज अ स्टेटमेंट इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट अलाउज वन और मोर स्टेटमेंट टू रिपीटेडली एग्जीक्यूट एज मैनी टाइम्स एज रिक्वायर्ड, ठीक है, जितनी दफा हम चाह रहे हैं कि स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट हो उसके लिए हम लूप यूज़ करते हैं। अभी जो जो स्ट्रक्चर होता है सिलेक्शन स्ट्रक्चर, उसमें हम एक चीज़ को रिपीट नहीं कर सकते, ठीक है। लूप जो होता है वो क्या करता है कि एक चीज़ को रिपीट करता है, एक चीज़ को बार बार रिपीटिंग के लिए ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन ही होगा। देर आर टू एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ लूप, दो कौन कौन से हैं। एक तो द ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स फॉर्म द बॉडी ऑफ द लूप दैट इज़ टू बी एग्जीक्यूटेड रिपीटली। एक तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ कौन सी है कि जो बॉडी ऑफ द लूप है, एंड अनटिल लूप कंडीशन इज ट्रू लूप टर्मिनेट बेस्ड ऑन टेस्ट कंडीशन। जो लूप जो एग्जीक्यूट होते हैं वो किसकी बेस पे होते हैं, टेस्ट कंडीशन की बेस पे। नेक्स्ट क्या है, अब प्रोग्रामर माइट वांट्स टू एग्जीक्यूट अ लूप। प्रोग्रामर जो है उनको लूप्स की जरूरत क्यों पड़ती है। अ गिवन नंबर ऑफ टाइम्स के लूप उनको ऐसा चाहिए कि जो गिवन नंबर ऑफ टाइम जो है वो रिपीट हो, और उसके बाद क्या उसके पहले से पता होगा लूप कितनी दफ़ा रिपीट होना, तो इसके लिए हम फॉर लूप यूज़ कर सकते हैं। अनटिल अ गिवन वैल्यू एक्सीडिंग अनदर वैल्यू, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अगर जब यूज़र को ऐसे रिक्वायरमेंट होती है प्रोग्रामर को कि जब तक एक सेटिस्फाइड कंडीशन नहीं हो रही वो तब तक लूप जो है वो चलता रहे, ठीक, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, व्हाइल लूप यूज़ करते हैं। अगर अनटिल अ पर्टिकुलर कैरेक्टर इज एंटर्ड, हो सकता है वो कोई कैरेक्टर एंटर करे, ठीक है, तब तक। तो ये दूसरा भी सेम टाइप का था व्हाइल लूप। अब जहाँ इससे पहले कि हम फॉर लूप शुरू करूँ, मैं तीनों जो थे लूप्स उनमें डिफरेंस बता देता हूँ आपको कौन कौन सा डिफरेंस। जो फॉर लूप होता है उसमें यूज़र को पता होता है कि जो प्रोग्रामर है उसको पता होता है कि लूप ने कितनी दफ़ा आइट्रेट होना है, ठीक है, आइट्रेट मीन्स के लूप ने कितनी दफ़ा चलना है। और व्हाइल लूप में क्या हुआ कि यूज़र को प्रोग्रामर को नहीं पता कि यूज़र कितनी दफ़ा वैल्यू को एग्जीक्यूट कराना चाह रहा है, वो एक कंडीशन सेट कर देगा कि जब तक ये करेक्टर इंटर्ड नहीं करेगा तो तब तक लूप जो है वो चलता रहेगा। अगर डू वाइल में क्या कि लूप वहाँ पे यूज़ करते हैं डू वाइल लूप, जहाँ पे हमें रिक्वायर्ड होता है कि एटलीस्ट लूप एक दफ़ा रन हो, ठीक है। तो ये थे जो माइनर जो मेजर डिफरेंस थे, ठीक है, जस्ट मैंने एक वन लाइन में डिस्क्राइब किए हैं। सो नेक्स्ट हम देखते हैं अब फॉर लूप को डिटेल में। तो सबसे पहले देखते हैं कि फॉर लूप होता किस लिए, तो मैंने बता दिया अभी। अ फॉर इज़ अ लूपिंग स्टेटमेंट विच इज़ यूज टू एग्जीक्यूट अ सेट ऑफ स्टेटमेंट रिपीटेडली फॉर अ फिक्स नंबर ऑफ टाइम। इसके हमें स्टार्टिंग में पता होगा कि लूप ने कितनी दफ़ा एग्जीक्यूट होना है। इट इज़ आल्सो नोन एज काउंटर लूप, के काउंट करता है वैल्यूज को, काउंटर लूप भी बोलते हैं इसको। अब इसका जो जनरल सिंटैक्स है वो क्या, फॉर इनिशियलाइजेशन टेस्ट कंडीशन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ होगा, ठीक है। तो अब देखते हैं इनिशियलाइजेशन क्या है कि हमने यहाँ पे वेरिएबल को इनिशियलाइज करना है इंट ए इज इक्वल टू वन जैसे कह देते हैं। टेस्ट कंडीशन आई लेस देन या ए लेस देन 10 या ए ग्रेटर देन 10, आगे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ए प्लस प्लस और ए माइनस माइनस, ठीक है। और मेन बॉडी ऑफ द लूप जो क्या है उसमें क्या होगा, जो स्टेटमेंट्स होंगे जो वो एग्जीक्यूट होंगी, ठीक है। उसके बाद आता है मेरे पास
इन्हीं चीज़ों को मैं डिस्क्राइब करता हूँ कि इनिशियलाइजेशन क्या है, कि वैल्यू को इनिशियलाइज करना, डिक्लेयर करना वेरिएबल को और साथ उसको वैल्यू साइन कर देना होता है इनिशियलाइजेशन। और कंडीशन क्या होती है, उसमें रैशनल ऑपरेटर जो है वो यूज़ होंगे, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन, नॉट इक्वल टू। और नेक्स्ट इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट क्या है, कि वो प्लस प्लस एक का प्लस या इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट यूज़ करें। अब नेक्स्ट क्या है, मेन बॉडी ऑफ द लूप में जितनी भी स्टेटमेंट एक्सिक्यूट होने हैं जब कंडीशन ट्रू होगी वो आ जाएंगी। उसके बाद ये इसकी एग्जांपल मैंने दो लिखी हुई हैं, फोर इंट ए इज इक्वल टू वन, ए लेस देन 100, ये एग्जांपल दो टाइप की हुई हैं। अब इसके बाद जो आता है मेरे पास, ये मैंने स्लाइड ऐड की है यूज़ ऑफ फॉर लूप। तो ये डेमो में जब इसके प्रोग्राम होंगे, जो बुक वाले हैं, जो एग्जांपल्स, वो मैं आपको ऐड करूँगा। थैंक यू। तो स्टूडेंट्स, ये मेरे पास डेव सी प्लस प्लस ओपन है और इसमें जो आज का जो टॉपिक है फॉर लूप, उसकी जो एग्जांपल्स हैं मैंने पहले से टाइप किया है, 7 एग्जांपल्स हैं मेरे पास। इसको वन बाय वन देखेंगे कि हर एक एग्जांपल में कौन सा प्रोग्राम जो है वो परफॉर्म हुआ है, ठीक है, तो कौन सा टास्क परफॉर्म कर रहा है एक प्रोग्राम। तो फर्स्ट प्रोग्राम है जो, उसमें देखते हैं कि जो क्या शो कर रहे हैं, फॉर लूप को यूज़ किया हुआ है और ये काउंटिंग जो है वो प्रिंट होगी स्क्रीन के ऊपर 1 से 5 तक। तो सबसे पहले लाइन में इंटीजर टाइप का वेरिएबल किया हुआ है, इसको अगर मैं यहाँ से कमेंट कर देता हूँ और यहीं पे इंट लिख देता हूँ तो फिर भी ठीक है, ठीक है, इंट कर दिया। तो इसको मैं देखें, मैं रन करता हूँ कंपाइल करके, तो ये आ गया मेरे पास काउंटिंग 1 से 5 तक। अब इसकी मैं थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन आपको बता देता हूँ कैसे है। सबसे पहले क्या है, फॉर इंट जे, जे की वैल्यू 1 है, लेस देन 5 है, कंडीशन 2 यहाँ पर आया और जे को वैल्यू 1 प्रिंट कर दी। इसके बाद ऊपर गया, इंक्रीमेंट हुआ 2 को चेक किया, लेस देन 5 है और कंडीशन 2 ही यहाँ पे आ गया। उसके बाद 2 प्रिंट हुआ। इसी तरह फिर नेक्स्ट टाइम अगेन ऊपर गया, इंक्रीमेंट हुआ, 3 होगी वैल्यू, 3 लेस देन 5 है, तो अगेन से फिर इनसाइड आया और 3 वैल्यू प्रिंट होगी। इसी तरह फिर ऊपर गया, जे में इंक्रीमेंट हुआ 1 का, 4 वैल्यू हो गई, 4 लेस देन 5 है, चेक होगा और ये वैल्यू क्या प्रिंट हो जाएगी, अगेन से 4। और लास्ट टाइम फिर 5 हो जाएगी वैल्यू, 5 लेस देन तो नहीं है लेकिन इक्वल टू तो है ना, जहाँ पे गया है लेस देन इक्वल टू, तो लेस इक्वल टू होगी तो कंडीशन ट्रू होगी। नेक्स्ट इसकी वैल्यू आ जाएगी 5। नेक्स्ट टाइम जब जे की वैल्यू 6 होगी, कंडीशन फॉल्स होगी, तो लूप के बाहर आ जाकर फिर ये चीज़ एक्सक्यूट नहीं होगी। तो ये थी मेरे पास फर्स्ट एग्जांपल। अब देखते हैं इसकी सेकंड एग्जांपल जो है फॉर लूप की, वो क्या है। इसमें क्या है, यूज़र एक नंबर इंटर करे और नंबर का जो टेबल है वो प्रिंट हो जाए। अब इसमें क्या है, इसको मैं एक चीज़ आपको फर्स्ट एग्जांपल में चेक करवा देता हूँ, और कि ये देखें, फर्स्ट में अगर मैं यहाँ से हटा देता हूँ टीचर डिक्लेयर जो किया था मैंने यहाँ पर इनसाइड, तो इसको मैं एक्सक्लूड करता हूँ फिर भी सेम आंसर आएगा। कंपाइल किया और रन किया, ठीक है, ये देखें फिर भी इधर आप वेरिएबल डिक्लेयर करें या इधर करें उससे फ़र्क नहीं पड़ता कोई भी। तो नेक्स्ट जो एग्जांपल है उसमें क्या है कि टेबल प्रिंट होगा गिवन नंबर का, कि यूज़र एक नंबर एंटर करे और इसका टेबल प्रिंट हो जाए, ठीक है। तो इसको एक्सप्लेन करता हूँ मैं वन बाय वन। सबसे पहले क्या है, दो वेरिएबल डिक्लेयर होंगे जे और एन, ठीक है। लूप में ज़्यादातर आई और जे जो है, आई इसलिए यूज़ करते हैं ज़्यादातर कि वो आइट्रेशन के लिए यूज़ होता है ना, आई से आइट्रेशन, तो आइट्रेशन में इसके बार बार उसने रिपीट होना, इसलिए मोस्टली जो है वो आई यूज़ करते हैं। वैसे कोई रूल नहीं है कि आप आई ही यूज़ करें, ए बी सी कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। तो इंट जे और एन वेरिएबल क्लियर हुआ है, एन क्या वो नंबर जो यूज़र इंटर करेगा, ये जो यहाँ पर मैसेज प्रिंट हुआ आएगा और इसके जरिए से वैल्यू आएगी वेरिएबल में। यहाँ पे वो वैल्यू 12 टाइम्स क्या है, जे का लूप 12 टाइम चलेगा, ठीक है, कि 1 से 12 तक वो टेबल प्रिंट होगा। अब नेक्स्ट क्या है कि ये जो लाइन है इसको समझना, हमने परसेंट डी आपको टेबल जो हम लिखते हैं कॉपी में या नोटबुक में वैसा ही एज इट इज़ प्रिंट हुआ नज़र आएगा 12 टाइम। अब देखें, परसेंटेज डी मल्टीप्लाई एक्स का साइन, परसेंटेज डी इंटीजर है, इक्वल टू परसेंटेज डी। अब इक्वल टू परसेंटेज डी का मीनिंग है कि यहाँ पे जो मल्टीप्लाई करके वैल्यू आएगी, एन जो नंबर होगा वो वैल्यू आएगी इसके लिए, जहाँ जैसे जैसे मैं कर्सर मूव कर रहा हूँ, और जे की वैल्यू हर दफ़ा इंक्रीमेंट होगी, पहले 1, 2, 3 इस तरह, फिर जे की वैल्यू जैसे इंक्रीमेंट हुआ करेगी उससे मल्टीप्लाई भी होगी।
वन से ट्वेल्व तक एन की वैल्यू से, जैसे वन टू या टू इस तरह से। तो इसको मैं रन करके चेक कराता हूँ, अब इंटर करता हूँ फाइव, ये आ गया फाइव का टेबल। अब मैं इसको साथ साथ एक्सप्लेन करता हूँ, जैसे सबसे पहले है फाइव वन ज़ा फाइव, सबसे पहले क्या हुआ यहाँ पे वन लेस देन इक्वल टू ट्वेल्व ट्रू वर्क कंडीशन, यहाँ पे आ गया आपके पास फाइव एन की वैल्यू, उसके बाद मल्टीप्लाई का साइन ये जो मैंने पुट किया है ये आ जाएगा, उसके बाद जे की वैल्यू वन, और उसके बाद फिर इक्वल टू का साइन आ गया, उसके बाद जे मल्टीप्लाई एन, क्या है जे की वन एन पड़ा होगा और जे में पड़ा होगा वन, और एन की वैल्यू होगी फाइव, और मल्टीप्लाई होगा तो फाइव हो जाएगा। इस तरह जे की वैल्यू टू हो गई तो फाइव टू ज़ा टू फाइव ज़ा टेन, इस तरह से वो मल्टीप्लाई होकर वैल्यू आती जानी है। तो यहाँ पे मैं जे मल्टीप्लाई एन भी कर सकता हूँ, एन मल्टीप्लाई जे भी कर सकता हूँ, उसमें कोई इशू नहीं होगा। अब नेक्स्ट क्या है, मेरे पास ये ट्वेल्व टाइम्स लूप आइट्रेट होगा, जैसे ही वैल्यू थर्टीन होगी, बिकॉज यहाँ पे अगर मुझे टेन टाइम्स चाहिए तो यहाँ पे मैं टेन कर दूंगा, अगर मुझे फिफ्टीन टाइम्स चाहिए या थर्टी टाइम चाहिए तो यहाँ पे मैं नंबर जो ये जो फॉर लूप में जो कंडीशन है जे लेस देन इक्वल टू ट्वेल्व, इसको मैं इंक्रीज डिक्रीज कर सकता हूँ कि मेरे पास वैल्यू जो है वो कम या ज़्यादा आए। तो ये था मेरे पास सेकंड एग्जांपल, ये थी मेरे पास सेकंड एग्जांपल। अब थर्ड एग्जांपल में क्या है कि आपके पास सम ऑफ इवन नंबर है लेस देन हंड्रेड, कि जो ओड नंबर है उनका सम ना हो, जो इवन नंबर है जस्ट उनको ऐड करें। तो सबसे पहले जो लाइन है उसमें वेरिएबल डिक्लेयर हुआ है जे और सम इज इक्वल टू जीरो, सम में क्या पढ़ा होगा पहले ज़ीरो, फॉर जे इज इक्वल टू वन जे लेस देन हंड्रेड, जे प्लस इक्वल टू टू का मतलब है जे इज इक्वल टू टू, जे इज इक्वल टू जे प्लस टू। ठीक है, ये जो लाइन है इसको मैं कमेंट करके दिखाता हूँ कैसे, ये जे इक्वल टू जे प्लस टू, ये जो लाइन है इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो आगे नेक्स्ट सम इज इक्वल टू, और इस लाइन को मैं कैसे लिख सकता था इसको मैं लिख के दिखा देता हूँ, सम इज इक्वल टू सम प्लस जे, ये दोनों लाइनों का मीनिंग सेम है, ये वाला यूज़ करूँगा ये या जो मैंने लिखी है वो। अब उसके बाद जैसे ही वैल्यू प्रिंट होगी ज़ीरो, अब नेक्स्ट टाइम ज़ीरो प्लस टू टू हो जाएगा, फिर टू प्लस फोर सिक्स, इस तरह से जब जैसे वो वैल्यू होगी इसकी इंक्रीमेंट टू को आना, ठीक है, ओल्ड वैल्यू को चेक उसने करना ही नहीं है। तो यहाँ पर मुझे एक गड़बड़ लग रही है, मैं करता हूँ ये 2500, ठीक है, ये इवन नंबर्स का नहीं ओड नंबर का जो सामने वो आ रहा है, लेस ओड नंबर्स का, क्योंकि वन है ना ओड नंबर्स, बिकॉज वन, वन प्लस टू थ्री होगा, थ्री प्लस टू फाइव होगा, और फाइव प्लस टू सेवन होगा, इस तरह से। तो ये सम ऑफ ओड नंबर है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है मेरे पास एग्जांपल वो है फैक्टोरियल ऑफ अ गिवन नंबर। फैक्टोरियल का होता है बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन होती है, लेट्स से अगर आपने थ्री इंटर किया तो थ्री मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई वन होगा, ठीक है, ये होती है बैकवर्ड, थ्री टू ज़ा सिक्स, सिक्स वन ज़ा सिक्स, इस तरह से। अगर फोर इंटर किया तो फोर थ्री ज़ा ट्वेल्व और ट्वेल्व टू ज़ा, बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन जो है आपके पास क्या होगी फैक्टोरियल। फैक्टोरियल फाइंड करना हमने गिवन नंबर का, तो उसके लिए क्या है एन जे, जे जो है वो लूप के लिए, एन जो है वो यूज़र इंटर करेगा नंबर, और फैक्टोरियल को हमने जिसमें फाइनल फैक्टोरियल जो है वो स्टोर होगा वो इनिशियलाइज कर दिया वन से, इंटर करेंगे वैल्यू इस लाइन से, और ये डिस्प्ले हुआ मैसेज आएगा इसमें नंबर इंटर होगा, ये लूप कब तक चलेगा एन तक, जहाँ तक हमने वो वैल्यू इंटर की है, लेट से सिक्स इंटर किया तो जे लेस देन इक्वल टू सिक्स वन, इस तरह से वो लूप जो है आइट्रेट होता जाएगा, और जैसे कंडीशन जो है एन की वैल्यू से ग्रेटर होगी लूप ब्रेक हो जाएगा, और ये आपको लास्ट पे जो फैक्टोरियल है वो डिस्प्ले हो जाएगा। लेट से मैं इसको रन करता हूँ, सिक्स है तो सेवन ट्वेंटी आ गया इसका फैक्टोरियल, इसी तरह मैं रन करता हूँ थ्री तो सिक्स आना चाहिए इसका, ये आ गया सिक्स। सो ये था मेरे पास फोर एग्जांपल। आगे नेक्स्ट जो है फिफ्थ एग्जांपल में क्या है, सीरीज प्रिंट होगी। अब सीरीज़ वो कौन सी प्रिंट होगी, इसको एक दफ़ा पहले रन करता हूँ, देन मैं आपको साथ साथ एक्सप्लेन करता हूँ। देखें सीरीज प्रिंट हो रही है थ्री का इंक्रीमेंट लग के, ठीक है, वन प्लस ये एन वन हुआ डिक्लेयर, ये एन वेरिएबल डिक्लेयर हुआ, उसके बाद ब्लैंक लाइन आएगी,
जो है, उसके बाद ये जो होता है एस्केप सीक्वेंस होता है, इसको अगर नहीं भी पुट करेंगे तो मसला नहीं है। अगर 4n = 1 एन लेस देन इक्वल टू 40 से 40 तक, 40 से लेस नहीं 40 तक जो है वो इंक्रीमेंट लगेगा 3 का, n = 3+1। और टैब का मतलब है कि जो जो गैप आपको नज़र आ रहा है आउटपुट में, अब यहाँ पे ये स्लैश टैब स्लैश टी जो इस टैब के लिए जो हम टैब की प्रेस करते हैं वो ये वो काम देगी यहाँ पे। सो n की वैल्यू प्रिंट होती जाएगी, n 1 आगे पहले फर्स्ट टाइम, फिर 4, फिर 7, ये 3 का इंक्रीमेंट लगा हुआ है। तो ये था मेरे पास क्वेश्चन नंबर जो एग्जांपल थी 5। आगे 6 एग्जांपल में क्या है हमारे पास, जो HCF फाइंड करें। HCF कहता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसके लिए क्या है कि सबसे पहले जो लाइन है उसमें वेरिएबल डिक्लेयर हुए हैं कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। जे जो है वो तो लूप के लिए है, और जो ए बी है वो यूज़र जो दो नंबर इंटर करेगा उनका HCF फाइंड हो जाएगा, अगर स्मॉल वन और रिमाइंडर वन और रिमाइंडर टू। अब नेक्स्ट जो लाइन है प्रिंट एफ इंटर टू नंबर, इसमें वैल्यू आ गई, इफ़ ए लेस देन बी है तो स्मॉल में क्या आ जाएगा ए, और एल्स में क्या आएगा स्मॉल में बी आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्या फोर लूप चलेगा और रिमाइंडर में ए और जे की वैल्यू जो है वो आती रहेगी। अब नेक्स्ट क्या इफ रिमाइंडर ज़ीरो है और टू का रिमाइंडर भी ज़ीरो है तो GST में क्या आ जाएगा जे, और लास्ट पे जब ये सारे जो लूप है ये इसकी कंडीशंस बार बार चेक होंगे और एंड पे जाके इसका जो क्या है GST ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर या ACF जिसको हम कहते हैं वो शो हो जाएगा। इसको भी मैं रन करके दिखाता हूँ। लेट से मैं एंटर करता हूँ नंबर 6 and 12। तो ये आ गया इसका 6 होता है 6 2 6 2 12, तो 6 उसका GSD है, हाईएस्ट जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है वो आ जाएगा। तो ये थी मेरे पास 6 एग्जांपल। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन नंबर 7, इसमें भी सीरीज प्रिंट होगी और डिक्रीमेंट फॉर्म में, सबसे पहले 30 प्रिंट होगा डिसेंडिंग ऑर्डर में वो प्रिंट होगी, सबसे पहले 30, उसके बाद फिर -3 का डिक्रीमेंट लगेगा, 30 के बाद 27। तो ये भी एक सीरीज प्रिंट कराई हुई है एग्जाम्पल में, तो ये जाएगी कहाँ तक, -9 तक। जैसे ही -9 से लेस तो होगी उसकी वैल्यू, -12 होगी तो यहाँ पर कंडीशन फॉल्स होगी और लूप जो है ब्रेक हो जाएगा। तो ये थे मेरे पास एग्जांपल्स फॉर लूप के। नेक्स्ट वीडियो में हम डू वाइल और वाइल लूप जो है उसको डिटेल में देखेंगे। थैंक यू।